सर्चिंग एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनीश चगंटी। अनीश जी भारतीय मूल के अमेरिकन डायरेक्टर है और सर्चिंग उनकी पहली फिल्म है। स्टारिंग जॉन चू एज डेविड किम, मिशेल ला एज मार्गोट किम और डेबरा मेसिंग एज डिटेक्टिव रोजमेरी वीक। अब सर्चिंग का रिव्यू करना सच में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं इस फिल्म के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर इस फिल्म की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड से ये फिल्म देखें। बस मैं शॉर्ट में आपको इस फिल्म की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। एक पिता यानी डेविड किम की बेटी मार्गोट लापता हो जाती है, जिसके बाद में डेविड को अपनी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए और डिटेक्टिव रोजमेरी विक की सहायता से अपनी बेटी को खोजना है। बस इससे ज़्यादा मैं इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि ये फिल्म देखने से पहले मैंने इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी इस फिल्म के बारे में। बस जितना मैंने आपको अभी बताया ना उतना ही मुझे इस फिल्म के बारे में पता था। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो उस वो फिल्म देखने से पहले मैं उसके ट्रेलर से, उसके किसी भी डिटेल से हमेशा अपने आप को हो सके उतना दूर रखता हूँ। तभी हम उस फिल्म को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। सर्चिंग हमें शुरुआत से अपने साथ में एक प्रकार से बांध लेती है और इस प्रकार से बांधती है कि मजा ले कि आप एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें झपका ले। फिल्म में ज़्यादातर बातें विजुअल्स के जरिए बताई है, यानी फिल्म में कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई फ्लैशबैक सीन्स नहीं है। विजुअल स्टोरी टेलिंग का हम इस फिल्म को एक परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं और इसीलिए इस पूरी फिल्म के दौरान आप अपनी पलके तक नहीं झपका सकते। फिल्म की शुरुआत के कुछ मिनटों में ही डेविड, पामेला और मार्गोट इनके फैमिली रिलेशनशिप को हमें दिखाया है और वो इतनी खूबसूरती से दिखाया है ना कि हम तुरंत इस फैमिली का एक हिस्सा हो जाते हैं। हम तुरंत इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में केयर करने लगते हैं और इस फिल्म की स्टार्टिंग देखकर मुझे अब इस एनिमेटेड मूवी की स्टार्टिंग याद आ गई। बिल्कुल उसी प्रकार से सर्चिंग की शुरुआत भी हमें इमोशनल करती है और इन सबकी फैमिली हिस्ट्री को इस प्रकार से हमारे सामने रखा गया है कि वो इतनी रियलिस्टिक, इतनी रियल हमें लगती है कि ऐसा लगता है मानो किसी रियल केस के रियल फुटेजेस को हम देख रहे हैं और हम इस फिल्म पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिल्म में छोटी सी छोटी बातों का भी बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। अब देखिए ये परिवार अपनी ये जो यादें संजोता है इस पूरे सफर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदलती जाती है। विंडोज एक्सपी से लेकर के आईफोन तक का उनका ये पूरा सफर फिल्म की शुरुआत के कुछ मिनटों में ही हमें दिखाया है और वो बिल्कुल हमें अपनी खुद की कहानी लगती है। वो सारी बातें देखते समय हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हम भी करते थे बचपन में, यानी याहू से लेकर के जीमेल तक का सफर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट्स बनाना। और ये सारी बातें इस प्रकार से फिल्म में दिखाई है ना कि हम उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही जीवन का रिकैप हम स्क्रीन पर देख रहे हैं और जब भी कोई बातें जो हम खुद करते हैं ना वो हमें किसी फिल्म में देखने को मिलती है या बड़ी स्क्रीन पर जब हमें देखने को मिलती है तो एक अलग ही खुशी हमें अंदर से होती है। और फिर सोचिए एक दिन अचानक से उस परिवार की बेटी लापता हो जाए और उसके बाद में किस प्रकार से डेविड अपनी बेटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, अकाउंट्स के जरिए उसे खोजने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी बेटी की एक बिल्कुल ही अलग ही तस्वीर उसके सामने आ जाती है। यानी जैसा आज तक वो अपनी बेटी को समझता था, जानता था, उससे बिल्कुल अपोजिट मार्गोट उसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देती है। और ये सब कुछ दिखाते समय डायरेक्टर हमें इस फिल्म के जरिए और भी बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे नई जनरेशन के जब घर पर थोड़ा सा अटेंशन नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पहले मार्गोट से कुछ भी लेना देना नहीं था, उसकी कुछ भी उन्हें परवाह नहीं थी, इनमें कुछ उसके स्कूल के फ्रेंड्स भी थे जिन्हें मार्गोट से पहले तो कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये न्यूज़ मीडिया में आ जाती है, काफ़ी पूरे देश में इसके ऊपर चर्चा होने लगती है, उसके बाद में केवल कुछ चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक्स के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए ये लोग झूठे आंसू बहाने लगते हैं मार्गोट के लिए। इतना ही नहीं, वो मार्गोट के पिता को ही अक्यूज़ करते हैं कि इन्होंने ही कुछ किया होगा, इन्होंने ही अपनी बेटी को लापता किया होगा। इस प्रकार की जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दोगलापन होता है ना समाज का, नई जनरेशन का ये जो दोगलापन है, इसको भी ये फिल्म हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। पर ये फिल्म इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। ये एक परफेक्ट सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म है, या अगर मैं इसको परफेक्शन एट इट्स बेस्ट भी कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये फिल्म हर तरीके से एक्स्ट्रॉर्डनरी है, यानी इसके स्टोरी में कई सारे अलग अलग लेयर्स है, इसके कैरेक्टर्स में अलग अलग लेयर्स है। ये फिल्म कहीं पर भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ती है, शुरुआत से लेकर के आखिरी सेकंड तक ये फिल्म अपने साथ में हमें बांध कर रखती है। और ये फिल्म एक बार देखकर तो आपका मन कभी नहीं भरेगा, आप इसे बार बार देखना चाहेंगे, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को आप इस फिल्म को दिखाना चाहेंगे। मैं खुद भी इस फिल्म के किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप पर रिलीज होने की राह देख रहा हूँ। और इस फिल्म के एंडिंग में जो सस्पेंस रिवील होता है ना उसके बारे में भी फिल्म में कई बार हमें शुरुआत में हिंट दी गई है लेकिन हम
उनको पकड़ नहीं पाते हैं। और यही एक परफेक्ट मिस्ट्री फिल्म की खासियत होती है कि सभी बातें हमारे सामने होते हुए भी हम मिस्ट्री को सॉल्व ना कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म मुझे थिएटर में देखने को मिली। एक्टिंग, म्यूजिक, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नरेशन, हर जगह पर ये फिल्म एट इट्स बेस्ट है। डेविड जो अपनी बेटी मार्गोट से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसे वो खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता था। और मार्गोट भी अपने मन की बातें शेयर करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करती है। और इस प्रकार से फिर ये फिल्म फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर, सोशल मीडिया की सच्चाई के ऊपर एक सटीक मैसेज भी हमें देती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये फिल्म रेकमेंड करता हूँ, आप इस फिल्म को ज़रूर ज़रूर देखिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, कम देने का तो सवाल ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।